इसमें स्कूटी का ऐसी चीज़ बताऊंगा जो काफ़ी कम लोगों को पता है और काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं उसे। ऐसा नहीं है सिर्फ डियो पे है, बाकी और भी सारी स्कूटी पे है। इसके बारे में मैं पहले भी शॉर्ट बना चुका हूँ, इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को डिटेलली एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका हेलमेट लॉक एक काफी कम लोगों को पता है, यहाँ पे है। ये नॉब देख सकते हो, दो नॉब, इसको यूज करके आप दो हेलमेट लॉक कर सकते हो। जैसे कि ये एक्चुअली ऐसे रिंग काफी कम हेलमेट में आते हैं, ये एक्चुअली होंडा का हेलमेट है तो इसमें आता है। ये रिंग आप देख सकते हो, इसको ऐसे लगाना है। ये हो गया और ऐसे लॉक, तो कंप्लीट हेलमेट ऐसे लॉक होता है। सीट ओपन करे बिना ये हेलमेट आप निकाल नहीं सकते हो। इसे मैं पहले भी शॉर्ट्स में बता चुका हूँ, बट अब दिक्कत ये है कि चोर यहाँ से ये स्ट्रैप कट करके ले जा सकता है हेलमेट को, सो ये एक दिक्कत है। आप ऐसे करना, अगर आपको कोई कॉस्टली हेलमेट है तो ऐसे हैंग मत करना। अगर आपके पास कोई ओल्ड रफ्यूज का हेलमेट है तो उसे आप इस तरह रख के जा सकते हो। इसका ब्रेक शू इंडिकेटर, ये आप एरो मार्क देख सकते हो इधर, और ये आगे भी है पीछे भी है। जब ये एरो मार्क इस पॉइंट की आगे आएगा तो वो इंडिकेटर है गाड़ी के फ्रंट ब्रेक शू को रिप्लेस करने का। जब तक ये इंडिकेटर इधर तक नहीं आएगा तब तक ब्रेक शू चेंज मत करना, चाहे शोरूम वाले कितने भी फोर्स करे। वही पीछे की बताए तो पीछे का भी ऐसे एरो मार्क की तरह है। जब ये एरो मार्क बॉडी में जो एरो मार्क है उस लेवल में आ जाएगा तभी ब्रेक शू चेंज करना, उसके पहले मत करना। एडजस्टेबल सस्पेंशन, ये काफी कम स्कूटी में आता है, लाइक रिसेंट स्कूटी में ये आने लगा है। और ये इसमें तीन पॉइंट है, लाइक इन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। अगर आपको सॉफ्ट सस्पेंशन चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट में सेट करना, फर्स्ट पॉइंट को इधर लाना है मिडिल में, और वही आपको स्टिफर सस्पेंशन चाहिए तो इस पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को इधर मूव करना। गाइस इसमें होता क्या है, जब आप फर्स्ट पॉइंट में सेट करते हो तो स्प्रिंग का जो गैप है, स्प्रिंग एक्सपेंशन का जो गैप है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इससे आपको सॉफ्टर सस्पेंशन एक्सपीरियंस मिल जाता है। जब आप इसे थर्ड पॉइंट में सेट करते हो तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, तो उसके वजह से आपको स्टिफर सस्पेंशन मिल जाता है। इस तरह आप आपके यूज के हिसाब से सस्पेंशन सेट कर सकते हो। टायर प्रेशर भरने जाते हो, अगर उस आदमी को इस गाड़ी का प्रॉपर टायर प्रेशर पता नहीं है तो आपको इधर दिया हुआ है, इसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादातर टायर प्रेशर भरने की जगह पे PSI में सेट होता है, यहाँ पे देख सकते हो। विद राइडर विद पिलियन आगे 22 और पीछे 36, राइडर ओनली तो आगे 22 और पीछे 29, ये इस गाड़ी का प्रॉपर टायर प्रेशर है। मैंने भी एक्सपीरियंस की है, बहुत सारे बंदे हैं जो पेट्रोल पंप में हवा भरते हैं, तो उनको पर्टिकुलर गाड़ी के लिए कितना हवा भरना है वो पता नहीं होता है। वे सिर्फ अंदाजा लगा के सब टू व्हीलर में एक जैसे ही हवा भरते हैं। अगर उस बंदे को प्रॉपर टायर प्रेशर पता नहीं है तो आप इसे देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका ब्रेक लीवर, आप इसे यूज करके दो व्हील के मूवमेंट को लॉक कर सकते हो। ऐसा काम करते हैं जैसे कि कार में हैंड ब्रेक होता है, ठीक उसी तरह काम करता है। ब्रेक को पकड़ के इसे ऐसे ऊपर पुश करना है, इससे क्या होता है दोनों व्हील के मूवमेंट लॉक होता है, खड़े पोजीशन में गाड़ी मूव नहीं होगा। ऐसे था कुछ गाड़ी की चीज़ें जो काफ़ी कम लोगों को पता है और काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। मैं ऐसे कि मैंने बताया, ऐसे आप हेलमेट लॉक करके जा सकते हो, बट आपको ऐसे भी चांसेस हैं कि चोर ये स्ट्रैप को कट करके हेलमेट ले जा सकते हैं, तो वो भी एक रिस्क है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी ऑन रखना। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।